यहाँ पे वैसे ये है कि विजिट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, इंजॉयमेंट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कबूतर बंदे यहाँ पे कैसे रहते हैं? पुत्र ये इधर रहना सीख। अब मैं टॉप पे जा रहा हूँ, ये देखो मैं टॉप पे पहुँच गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए कोटली आजाद कश्मीर। ये मेरे हाथ में दाने, आज मैं चींटियों के दाने डाल जा रहा हूँ और मेरी बहन भी चींटियों के दाने डालेगी। हम ऊंचे पहाड़ में, क्या हमारा कैमरा मैन आपको दिखाता है। आप किधर जा रहे हो? ऊपर किधर? पूरी ध्यान से। अवैस किधर फंस गए? किधर फंस गए हो? साथ में ढूंढो ना घर चींटियों के। बारिश भी हल्की हल्की से हो रही है। क्या है पत्ते किसके ऊपर? अच्छा पत्ते गिर गए इनके। हाँ। ये पाँव पे जो आ रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा जी। हाँ हाँ चलो ध्यान से ध्यान से ध्यान से। शाबाश। वो भाई देखो कितना ऊपर चला गया। नूर क्या कर रहे भाई के साथ जा रहे हो? किधर जा रहे हो नूर जी? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? बताओ ना किधर जा रहे हो नूर? ओए गंदे बच्चे नूर। चलो और ऊपर चले। अब वो भाई पहुंच गए। चलो री भाई बोल रहे कि मैं पहले पहुंच गया हूँ। जल्दी करो जल्दी करो। चलो चलो शाबाश ऊपर आ जाओ आ जाओ। उरी आ जाओ। जल्दी से आओ जल्दी से। नूर वो देखो भाई यार है भाई यार है। ये देखो नूर क्या कर रही है इधर? आ रहा हूँ नूर। ओ नूर क्या कर रही है? इस घर कुछ है। शूज के अंदर कुछ चला गया। हाँ। क्या चला गया? सारे पत्ते चले जाते। ओ भाई भी वापस आ गया। मैं जराबे कोई पहले मामा।
पीछे डॉगी आया हुआ है। वो देखो बकरियां नीचे, वो दी वो बकरियां। चलो दाने डालो ना फिर, घर ढूंढे चूंटियों का। नहीं मिला, सर्दियों से अंदर चले जाते हैं ना। सर्दियों से अंदर चले जाते हैं। वैसे ये कौन सी जगह जिधर आए हो? पहाड़ों के ऊपर। नहीं ये कोटली आए हो ना, कश्मीर आज़ाद कश्मीर। तो अभी किधर? इधर कोई नहीं गा रहे होंगे वैसे चूंटियों के, जाके देखो फिर। मिल गए चिंटियाँ हैं इधर। रुको मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ फिर दाने डालना। रुको चलो डालो दाना। वैसे ये क्यों डाल रही हो दाने? डालने से क्या होता है? क्या अल्लाह ताला राजी है? शाबाश, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह जाओ शाबाश, चलो अब ऊपर। चलो किधर है ये? किसने बोटी की है? गाय ने की है। गाय ने बोटी क्या दी है? नूर इधर देखो, क्या कह रही हैं बहन भाई, क्या कह रही है? किधर अच्छा भाई ने सही बोला। बाबा वो देखे बुहार, हर जगह बुहार बंदे आते कैसे रहते हैं? पुत्र ये इधर रहना सीख जाते हैं ना, इन्हें पता है किसरा रहने। बकरियां भी तो रह रही हैं ना इधर, इंसान भी इसी तरह रहते हैं। फिर देखो कितने लोग हैं इधर, घर देखो कितने हैं, कितने हैं गिनो ना, कितने हैं? इतने ज्यादा हैं क्या है? इतनी ज्यादा? अच्छा दोस्तों आज बादल निकले और ठंडी ठंडी हवा है और मैं पहाड़ी के ऊपर हूँ, साथ मेरी बहनें भी हैं। और यहाँ पे जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि यहाँ पे लोगों का रहन सहन खाना पीना जो है वो बहुत मजे का है। जैसे इनके घर में सारी चीजें होती हैं, पानी घर का होता है, आटा जो है इनकी अपनी जमीनों से, वो बाजरा वगैरह जो कुछ भी होता है, माँ का आटा होता है जो माँ की रोटियाँ बनाते हैं। और फिर इनकी जबान में मक बोलते हैं, वैसे तो मकई बोलते हैं, मकई का आटा जो होता है, तो यहाँ पे ये बहुत मशहूर है। हमने भी नाश्ता उसी सुबह किया है। और वो जो सबसे मज़े की बात है, ज़मीनों में इनके सारी अपनी चीज़ें होती हैं, जैसे लहसुन और फिर मिर्चें और धनिया वगैरह, इनका जो है अपने घर से निकलता है, इन्हें तो बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, घर की सब्जियाँ वगैरह सारा कुछ होता है। और दूध भी जो है वो अपनी गाय भैंस से बकरियाँ इन्हीं का पीते हैं, इन्हीं से चाय वगैरह बनती है। और यहाँ पर वैसे ये है कि विज़िट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, इंजॉयमेंट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और खालस देसी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं, जैसे सुबह इन्होंने जैसे मकई की रोटियाँ बनाई और साथ में घर का बना हुआ देसी घी, जब मैंने टेस्ट किया तो वाकई बहुत मज़े का था। और जो है ना उस दिन उन्होंने जो सालन बनाया था गोश्त का, मैंने कहा ये चिकन कौन सा है, ये तो बिल्कुल ना नरम नरम और बिल्कुल बारीक सा, इतना मोटा नहीं था ना। वो कहते हैं कि ये चिकन जो है हमारे घर का है। मैंने कहा अच्छा, बाज़ार से तो कोई चीज़ खिलानी नहीं पड़ती आप लोगों को। किधर जा रहे हो? जाओ जाओ
यहाँ पे सारे लोग जो है ना वो स्मार्ट स्मार्ट से पहाड़ियाँ चढ़ चढ़ के ना, तो उनके जिस्म में चर्बी तो बिल्कुल है ही नहीं है, और वैसे भी हालत चीज़ें खाते हैं ना, तो इनकी इतनी चीज़ें नहीं है। और ये क्या खा रही है? जब से हम लोग आए हैं तो नज़ारा हम लोग खा रहे हैं धूप का, 4-5 दिन से इधर ही हैं और धूप ही निकली होती है। आज हमने नज़ारा देख लिया ये बादलों का भी, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ये देखिए। और इस वक्त चूँकि हम लोग पहाड़ी पे हैं और पहाड़ी पे हल्की हल्की सी हवा चल रही है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी है, ये देखिए बादलों का नज़ारा। और इधर मज़े की बात ये है कि बहुत दूर से भी कोई बात करे ना, किसी को अगर आवाज़ दे तो दूर दूर तक सुनाई देती है। आ जाओ शाबाश, अब अवैस के साथ आ रहे हैं भाई अब्दुल्ला, पूरी नीचे नहीं जाओ, आ जाओ शाबाश, अब थोड़ी देर इधर ही रुकेंगे ना फिर चले चलेंगे। आ जाओ शाबाश, अब कौन साथ आ गया है? अवैस का फ्रेंड आया है? तो अवैस का फ्रेंड है ना ये, क्या लगता फिर? अब्दुल्ला सलाम करो, बोलो ना अस्सलाम वालेकुम। इतनी दूर से आए हो, स्कूल से आ गए हो अब्दुल्ला? आराम से गिर ना जाना, आराम आराम से, आराम से ध्यान से। ध्यान से लेकिन गिरना नहीं है, बस ज्यादा ऊपर ना जाओ अब्दुल्ला, उधर से साइड से वापस आओ पकड़े, फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पकड़ो 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 भाई अब्दुल्ला को, पकड़ो पकड़ो, शाबाश। चलो पकड़ो, अब्दुल्ला को पता ना इधर पहाड़ी पे भागने का कैसे भागते हैं। भाग नहीं होता, क्यों नहीं भाग नहीं होता? जैकेट पहन के फिर मोटी होते हैं, फिर वजनी है।